नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर के बड़ा क्षेत्र में सपा के नेता को गोली मारने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने अवैध पिस्टल भी बरामद कर ली, जिससे उसने सपा नेता को गोली मारी थी। इसके पास से एक टाटा सफारी गाड़ी भी बरामद हुई, जिससे गोली मारकर फरार हुआ था। गाड़ी में एक विधायक का पास भी लगा हुआ है। पुलिस अब उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। कानपुर में बर्रा के भीड़ भाड़ वाले इलाके में कल शाम को सपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद आरोपी अपनी टाटा सफारी गाड़ी से फरार हो गया था। पुलिस को सूचना मिलने के बाद बर्रा पुलिस ने अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि उसने सपा नेता को गाली देने पर ही जान से मारा। मीडिया के सामने अभियुक्त ने बताया कि सपा नेता ने उसे कॉलर पकड़ कर गाली दी थी, जिससे उसे गुस्सा आ गया और उसने सपा नेता को गोली मार दी। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। अच्छा, जो किया उसका मलाल नहीं है क्या आपको? भैया मैं फिर कह रहा हूँ, आप भी अगर प्यार से बात करते, मेरी बात सुनिए, आप इनकी सारी रिकॉर्डिंग देखिएगा। इलाहाबाद बैंक से ही आ रहे थे, ठीक है, और वहाँ पे दो लोग खड़े थे। हाँ। मैं प्रकाश आयल की तरफ मेरा मुँह था गाड़ी का, थाने में वो निकल रही गाड़ी, राइट लिया, सब्जी मंडी कोची मंडी में चला है, राइट लिया। उसके बाद फिर मैंने राइट लिया प्रकाश आयल के लिए। वो सत्यम है दर्पण स्टूडियो वाला, वो भाई अपना वरना से था, मैं इससे था। एक अंकल वहाँ पापा को जानते हैं, उन्होंने कहा बेटा क्या बात हो गई, हमने कुछ नहीं अंकल, मैं सत्यम से ऐसे बात कर रहा है। ये पीछे से आ रहे थे इलाहाबाद बैंक, वहाँ भी आपके कैमरे लगे हुए SBI में। ये I-20 से आ रहे थे, मुझे नहीं मालूम I-20 किसकी है, ये है कौन है। ये पीछे हम बैक कर रहे थे, ये पीछे लग सटा दिए हॉर्न। उस गाड़ी में भी दारू का सामग्री मिली, दो लड़के और थे जो साथ में भाग गए। मैंने कहा चलो भाई, हो सकता है कोई नशे में हो। हमने अपनी गाड़ी भट्ट साहब का मकान है कोचिंग मंडी में उधर की तरफ दबाई, निकल जाओ। अब निकलने की जगह दे दी, जब मेरी बैक करने की बारी आई, अब आपको जगह दे दी, भैया आप निकालोगे ना अपनी गाड़ी। मेरी बैक करने की बारी आई तो ये मेरी गाड़ी के पीछे लगाए रहे। गुस्सा तो आई भैया, लेकिन फिर भी हमने इग्नोर किया, इन्होंने बढ़ा लिया। पहले तो हमें लगा I-10 है भैया, सफारी टक्कर घुमा देंगे दो मिनट में, लेकिन मैंने चलो ठीक है। एक लड़का और तो बोला भैया क्या बात है ये। हम फिर वहीं से सब्जी मंडी चौराहे पे गए, हमने फ़ोन किया और भैया कसम से मैंने यही कहा, मैंने बेटा क्या बात है। ये बोले कहाँ हो, हमने सब्जी मंडी चौराहे पे, बोले वहीं आ रहे हैं। आए, मैं खड़ा हुआ बाहर सफारी के, मैंने बेटा क्या बात है, लड़ना चाहते हो या मतलब मारना चाहते हो तो हम घर चले जाएं। ये फिर बोले कि क्या घर चले चलें। तो हमने कहा भैया वहीं कुर्सी ली, हमने बैठ गए, हमने भैया बुला लो जिसको बुलाना है। फिर और ये बस बैठने जा रहे थे, हमने बेटा खड़े होके बात करो, इन्होंने बस कुर्ता पकड़ा खड़ा करने के लिए। वहाँ पे वो भी कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी, झूठ में बोलता। गोली आपने कब मारी? गोली आपने कब मारी? बस जब इन्होंने कुर्ता पकड़, मैंने नहीं दिए। कितनी गोली मारी थी इसके? अब भैया एक ही तो पहले मारी हमने सीधी सर पे, अब दूसरी तो मालूम नहीं। अफसोस है तुम्हें गोली मारने का आपने? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि मैं मान सम्मान के लिए जीता हूँ, समझ रहे हो ना भाई। बस ठीक है भाई, ठीक, मेरी गलती होती नहीं, तुम्हारी गलती नहीं भाई, कोई बात नहीं। अरे आप कुछ भी करो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है भाई। सम्मान को कोई ठेस पहुंचाएगा तो भाई आदमी क्या करेगा? पिताजी का नाम है बस, बिल्कुल, और चौराहे पे वो सब्जी मंडी चौराहे, पिताजी आपके सम्मानित व्यक्ति।